नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पे। सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह की राम राम, राधे राधे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई वगैरह अच्छे से चल रही होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आ रही होगी भाई। ठीक है, चलो सारे बच्चे एक बार देखिएगा, एक बार सारे बच्चे कैसे हैं, सारे बच्चे मस्त होना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना। ठीक है भाई, एक बार जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं सेशन को लाइक कर दें और एक बार शेयर जरूर कर दें भाई। ठीक है, सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, जितने बच्चे जुड़ गए हैं, और शेयर भी कर देंगे भाई, शेयर जरूर कर देना। देखो आज आपका क्लास नंबर 33 है भाई, 33वां क्लास है। इससे पहले कितनी क्लासेज हो चुकी हैं? इससे पहले क्लास हो चुकी है 32, इससे पहले 32 क्लास हो चुकी है। तो अगर किसी बच्चे ने वो क्लासेज नहीं देखी है तो भाई देख के आना, क्योंकि आपको पता है हम इस क्लास के अंदर वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो एसएससी ने पूछे हुए हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, अभी जैसे सीजीएल का एग्जाम भी चला हुआ है, तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, क्योंकि क्वेश्चंस एसएससी रिपीट करती है बार बार, ज्यादातर क्वेश्चन वही पूछती है जो उसने पहले पूछ लिए हैं भाई। ठीक है, तो चलो भाई फिर सारे बच्चे रेडी हैं, अगर सारे बच्चे रेडी हैं तो फिर क्लास को शुरू कर दिया जाए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 का। सीजीएल के लिए स्पेशल ध्यान देंगे सारे बच्चे जिनका एग्जाम है, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल 2022 के अंदर। चलो भाई देखो इस क्वेश्चन के अंदर एरर है, आपको गलती बतानी है कि किस पार्ट में एरर लग रहा है, किस पार्ट में गलती लग रही है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर गलती नहीं लग रही है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर कोई नया बच्चा भी है ना, तो सिंपल सी बात है, बेसिक समय नहीं बोलने हैं। हम शुरुआत कहां से करते हैं? किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से करते हैं। या तो हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं सर कि हमें देखते ही पता लग रहा है कि एरर यहां पे है, तो वर्ब से काहे को शुरुआत करनी। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट नहीं है, हम ये सोच लेते कि सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि इसमें एरर कैसा है, तो शुरुआत करो कहां से? वर्ब से। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो एक तो ये वर्ब हो गई, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। सेंटेंस कैसा है मेरे भाई? इंटेरोगेटिव है। सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कब बनता है? जब जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए और मेन वर्ब सब्जेक्ट से बाद में रहती है। यानी कि अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अब ये डिड क्या है? सर डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। डिड क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है? सर हमारा सब्जेक्ट है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। अब जिस भी बच्चे को नहीं पता मैं बता देता हूं, कभी भी अगर ये लिखा हो ना, डू लिखा हो, डज लिखा हो, या आपका लिखा हो डिड, डू डज या फिर डिड लिखा हो, तो इनके बाद एक बार सारे बच्चे बताएंगे इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। कहीं पे डू लिखा दिख जाए, डिड लिखा दिख जाए और आपका डज लिखा दिख जाए, तो इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? ध्यान रखना, फर्स्ट नहीं आती, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। सबको पता होगा ना बेस फॉर्म क्या होती है? देखो जैसे एक गो एक वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो और गोज। जो एस या ईएस वाली होती है ना, वो भी मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। वर्ब की बेस फॉर्म वो होती है जहां से वर्ब बनती है। क्या बताया? ज्यादातर बच्चे क्या आंसर करेंगे? सर डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो भैया एस वाली भी होती है, ई एस वाले भी होती है ना। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो होती है, गो भी होती है, गोज भी होती है। अब गोज नहीं लिखते हम डिड के बाद, कभी सुना है डिड गोज? डिड गोल सुना होगा। तो ध्यान रखना मेरे भाई, वर्ब की बेस फॉर्म आती है डू डज डिड के बाद। वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? जहां से वर्ब बनती है, जहां से वर्ब बनती है, बिल्कुल सही, जहां से वर्ब बनती है। तो यहां पे मैं इसको सही कर दूंगा, डिड यू बेक लिख के, डिड यू बेक लिख दूंगा भाई। क्या लिख दूंगा? डिड यू बेक लिख दूंगा। कौन से पार्ट में एरर हुआ? पार्ट ए में आपका एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाऊंगा भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, जल्दी से इसका आंसर शुरू हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का, फटाफट। इधर उधर की बातें कोई नहीं करेगा, सिर्फ आंसर दिखने चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए भाई। ठीक है, अपने प्रति लॉयल रहो बस, जो भी आप काम करते हो ना, मेहनत से करो, लगन से करो, मन से करो बस। ठीक है, बाकी किस्मत पे छोड़ दो। देखो क्या कह रहा है, कह क्या रहा है कि योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन,
योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन भाई। अब देखो प्रीसीड्स क्या है यहां पे, सर वर्ब है। योर नेम क्या है सर, सर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है ना भाई, ऐसी आईएस वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, सिंगुलर वर्ब है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीसीड का मतलब होता है पहले पहुंचना, प्रीसीड का मतलब होता है पहले पहुंचना, पहले पहुंचना। प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले पहुंचना। अब एक बात बताओ, ये बिफोर का मतलब क्या होता है भाई, ये बिफोर का मतलब क्या होता है, क्या बिफोर का मतलब पहले ही तो होता है ना, ये दो पहले क्यों लिख दिए। तो इसका मतलब, इसका मतलब ये बिफोर यहां पे गलत है, बिफोर यहां पे गलत है। प्रीसीड्स में खुद ही बिफोर छिपा हुआ होता है। प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले पहुंचना। अब ये पहले तो पहले ही लिखा हुआ है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है सर, गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब है कि तुम्हारा नाम, योर नेम प्रीसीड्स माई नेम। यहां पे जो माइन लिख रखा है ना मेरे भाई, यहां पे माइन का मतलब है माई नेम। तो सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा नाम लिस्ट में मेरे नाम से पहले पहुंच गया है ना, लिस्ट में तुम्हारा नाम पहले पहुंच गया, मेरा बाद में आया। मेहनत भी तो तुमने की थी, इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मेहनत करोगे ना तो तुम्हारा नाम भी लिस्ट में ऊपर जाएगा। तो मेहनत करते रहना, मन लगा के मेहनत करते रहना। अब ये क्वेश्चन मेरे को पता है आप सबके लिए न्यू क्वेश्चन है, पहली बार किया है, न्यू क्वेश्चन है। तो अपना सिंपल सा फंडा क्या है, अगर सर क्वेश्चन हमारे लिए नया है तो आज गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, पहली बार अटेम्प्ट किया है, लेकिन दोबारा अगर आ गया सर तो गलत नहीं होगा, इस बात का हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, वही फंडा आपको अपनाना है। ठीक है, आज गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम आपका यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर प्रीसीड्स आ जाए तो एग्जामिनर क्या गेम खेलेगा आपके साथ में, बिफोर लिख देगा, उसके साथ में बिफोर लिख देगा। और उनको पता ही नहीं है कि बच्चे मुकेश सर से पढ़े हुए हैं, उनको पता है कि प्रीसीड्स के साथ बिफोर नहीं आता, हम कर देंगे सही, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया, सी पार्ट में एरर हो गया, सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ सारे बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है ना, जो अंडरलाइन पार्ट है, अगर इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट लग रही है, कोई गड़बड़ लग रही है तो सही कर दो, नहीं गड़बड़ लग रही तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपके साथ में, छोड़ दो ऐसे के ऐसे ही। तो देखेंगे सारे बच्चे क्या लिखा हुआ है, सर हैव क्रॉस, क्या लिखा हुआ है सर, हैव क्रॉस, और ये क्या है मेरे भाई, वर्ब है, हैव क्रॉस लिखा हुआ है, हैव क्रॉस। अब एक बात बताइए मेरे को, ये हैव होती है हमारी यहां पे हेल्पिंग वर्ब, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा वर्ब लिखी हो एक साथ में तो मेन वर्ब तो एक ही होती है जो सबसे बाद में आती है, उन सबसे पहले क्या होती है, जल्दी बताओ क्या होती है, उन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यानी कि ये क्रॉस क्या है, मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुई, हैव हुई। और कितने बच्चों को पता है ये बात, कितने बच्चों को यह बात पता है कि सर कहीं भी हैज आ जाए, हैव आ जाए, या फिर आ जाए हैड, इनके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बताओ इनके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सर इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन लैक ऑफ कंसंट्रेशन हुई ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। किसी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना कि सर आसान सा है कोई दिक्कत नहीं है, देखो एमटीएस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इसको गलत नहीं करना है। तो क्या आ जाएगा, हैव क्रॉस्ड आ जाएगा, हैव क्रॉस्ड। अच्छा ये हैव सही है क्या, बिल्कुल सही है सर, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब हैव, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ के आ गया क्वेश्चन नंबर 4 में, चलो आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे सारे बच्चे, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो। देखो क्या कह रहा है, एग्जामाइन इसमें क्या हो गई, सर वर्ब हो गई है ना, वीरेन इसका क्या हो गया मेरे भाई, सब्जेक्ट हो गया, वीरेन क्या हो गया इसका, सब्जेक्ट हो गया। एग्जामाइन करना मतलब कि देखना चीज को, एग्जामिन करना मतलब कि उस चीज को देखना। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताएंगे सारे बच्चे, मैं बार बार बोलता हूं ना कि बेसिक्स नहीं भूलना, ऐसे देखना है कि ये वर्ड किसके लिए आया, ये वर्ड किसके लिए आया, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके वही ठीक हो जा रहे हैं। अब जो भी बच्चा ऐसे नहीं करेगा ना, देखना वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, उसका गलत होगा। देखो आप एक बात बताओ, ये जो वर्ड लिखा हुआ ना यहां पे केयरफुल, ये जो केयरफुल वर्ड लिखा हुआ है, आप मेरे को बस इतना सा बता दो, ये एग्जामिन के लिए आया कि वीरेन के लिए आया,
आप सोच समझ गए मेरे को, बस इतना सा बता दो कि ये जो केयरफुल वर्ड जो लिखा हुआ है ये वर्ब के लिए आया है या इस सब्जेक्ट वीरेन के लिए आया है। सोच के देखो एक बार सोच के देखो, वीरेन ने एग्जामिन किया, वीरेन ने एग्जामिन किया कैसे, सावधानी से, कैसे, सावधानी से, वीरेन ने एग्जामिन किया कैसे, सावधानी से, कैसे, सावधानी से। अरे भैया ये जो वर्ड है इस वर्ब के लिए आया, और कमेंट करके सारे बच्चे बताओ वर्ब के लिए आने वाले को क्या बोलते हैं, जो भी वर्ड वर्ब के लिए आता है उसको क्या बोलते हैं भाई, एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एडवर्ब बोलते हैं। तो सर जी गलती ये थी कि यहां पे एडवर्ब लिखा जाना चाहिए था, एडवर्ब लिखा जाना चाहिए था। और ध्यान रखना केयरफुल वर्ड एडजेक्टिव होता है, केयरफुल वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है, इसकी एडवर्ब फॉर्म होती है केयरफुली। एडवर्ब फॉर्म क्या होती है मेरे भाई, केयरफुली होती है, इस बात का सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। तो भैया कौन से पार्ट में एरर हो गया, मतलब कि किस पार्ट को सही करेंगे हम, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा आपका क्वेश्चन था। चलो भाई बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, एमटीएस में पूछा गया था। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वॉइस है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कहां से, वॉइस का क्वेश्चन है। आसानी से करेंगे, बिल्कुल ध्यान से करेंगे, गलत नहीं करना है, ध्यान से करेंगे। वॉइस के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, किसी भी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अनलेस और अंटिल वो नया है, ठीक है। चलो देखो क्या क्या रहा है भाई, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको पता है अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव में लिखा है तो पैसिव में भी क्या होता है, इंटरोगेटिव रहता है। चलिए चलिए कितने बच्चों को यह पता है कि सर एक्टिव से पैसिव जब भी हम वॉइस चेंज करते हैं कितनी बातों का ध्यान रखना है, कितनी बातों का ध्यान रखना है, कितनी, तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली क्या सर, वर्ब को देखना है, किसको देखना है, वर्ब को देखना है। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर यह सेंटेंस इंटरोगेटिव है, अगर यह सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो अभी अभी पीछे बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो यानी कि ये हेड यहां पे हेल्पिंग वर्ब, दे इसका सब्जेक्ट हो गया, नोट नेगेशन के लिए आया है, चीजों को नेगेटिव बनाने के लिए आया, क्लियर यहां पे मेन वर्ब हो गई सर, ठीक है सर। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, एक और चीज चाहिए, एक और चीज चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्ट, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई, वर्ब से क्या या किसे का जवाब वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। उसने क्लियर किया, क्या किया भाई, उसने क्लियर किया, क्या किया, एग्जाम क्लियर किया, क्या किया, एग्जाम क्लियर किया। तो ये एग्जाम हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, एग्जाम हो गया क्लियर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। चलो भाई अब हम कर देंगे सर पैसिव चेंज कर देंगे, हमें जो जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारी फुलफिल हो गई, अब हम चेंज कर देंगे। सबसे पहले करना क्या है, ध्यान ये रखना है, ध्यान एक छोटी सी बात का आपको रखना है कि अगर सेंटेंस एक्टिव में इंटरोगेटिव है, अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव में इंटरोगेटिव है तो मेरे भाई पैसिव में भी कैसा रहना चाहिए, इंटरोगेटिव, पैसिव में भी इंटरोगेटिव रहना चाहिए। अब देखो, अब यहां पे लिखा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बताइए तो सारे बच्चे इसका पैसिव क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भैया हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बीन लग जाएगा सर तो इसका पैसिव बन जाएगा क्या, देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका पैसिव क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा सर हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो हैड बीन क्लियर्ड कहां पे है, हैड बीन क्लियर्ड कहां पे है, एक ही पार्ट में है सर, एक ही पार्ट में, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है भाई, क्या बात है, ऐसे आंसर करना है, ठीक है। चलो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे ना, बेसिक्स आपके क्लियर हो गए ना, आपको कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन को सही करने से। आप जो है ना, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, बस बेसिक्स क्लियर रखो, जो बेसिक्स से फंडे है ना वो क्लियर रखो बस। चलो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बच्चे ने टेबल याद नहीं कर रखी तो कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपकी सहूलियत के लिए बना रखी है। चलो
क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर करो, ये भी वॉइस का क्वेश्चन है, ये भी वॉइस का क्वेश्चन है। देखो भाई इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव रहेगा, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। जब भी अगर सेंटेंस की शुरुआत में ऐसा वर्ड लिखा हो, व्हेन वेयर व्हाई हाउ, जब भी ऐसा लिखा हो व्हेन वेयर व्हाई हाउ, नोट कर लो व्हेन वेयर व्हाई और हाउ, ऐसे अगर वर्ड लिखे हैं तो उनको जो का तो लिख दो भाई, वाई का वाई लिख दिया हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक मिनट के लिए भूल जाओ, आप सोचो कि इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। अब देखो इज यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है सर, पीस क्या है सर, सब्जेक्ट है, अरे भैया पीस क्या है सर, सब्जेक्ट है, और बींग दूसरी हेल्पिंग वर्ब है, और डिमांडेड हमारी मेन वर्ब है, डिमांडेड क्या है मेन वर्ब है। कमेंट करके सारे बच्चे बताओ ये सेंटेंस एक्टिव में लिखा कि पैसिव में लिखा है, ये आपका सेंटेंस एक्टिव में लिखा कि पैसिव में लिखा है। भैया पैसिव की पहचान होती है सर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये बी एक वर्ब होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म क्या होती है सर वॉज वर होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है सर बीन होती है, और आईएनजी क्या होती है बीइंग होती है, आईएनजी क्या होती है मेरे भाई बीइंग होती है। अब ध्यान से सुनो, इनमें से कोई एक दिख जाए और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आंखें बंद करके एक ही जो चेहरा नजर आएगा वो क्या आएगा कि सर लिखी गई वर्ब पैसिव वॉइस में है, लिखी गई वर्ब किस वॉइस में है पैसिव वॉइस में। अब यहां पर देखो ध्यान से, क्या बी की कोई वर्ब है, हां जी सर बीइंग लिख रखा है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रखी है, इसका मतलब ये पैसिव में है, इसका मतलब ये पैसिव में है, ये पैसिव में है। चलो तो यानी कि बदलना इसको किस में है एक्टिव में, किसने बदलना एक्टिव में, बताओ भाई। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बीइंग कब आता है पैसिव में बताना, ये बीइंग कब लगता है पैसिव में जल्दी बताओ, बीइंग कब लगता है पैसिव में जब आईएनजी फॉर्म हो, जब एक्टिव में आईएनजी फॉर्म होती है तभी तो बीइंग लगता है ना। अब देखो इसके अंदर आईएनजी कहां पे है, आईएनजी कहां पे है इसमें सर, एक तो इसमें नहीं है, एक इसमें नहीं है, एक इसमें है और एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है, सेम हो गए क्या, चलो सेम नहीं है। अब अगली बात क्या है, सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव रहना चाहिए, इंटेरोगेटिव कब रहता है सर जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो जल्दी बताओ इन दोनों में से सही कौन सा है, इन दोनों में से सही कौन सा है, जो आंसर नहीं करेगा ना वो कुछ नहीं कर पाएगा भाई, जब तक आप आंसर नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे गलत करो चाहे सही करो पर करना तो पड़ेगा, गलती करोगे तभी तो कुछ सीखोगे भाई, जो कुछ हाथ पैर हिलाएगा नहीं वो कैसे सीखेगा, नहीं सीखेगा। एक कहावत है इंग्लिश में, अ पर्सन हु इज डूइंग मिस्टेक्स इट मींस ही इज लर्निंग समथिंग न्यू, एक ये कहावत है, इसका मतलब ये है कि अगर एक इंसान गलती कर रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, तो जो बच्चा गलती नहीं कर रहा ना इसका मतलब वो कुछ भी नया नहीं सीख रहा, वो वहीं पे स्टेबल है। तो गलती करो भाई, अब जानबूझ के गलत मत कर देना कि सर ने बोला है गलती करनी है तो आंसर ही गलत कर देते हैं, नहीं भाई ऐसे नहीं करना, ठीक है। चलो देखो अब यहां पे सब्जेक्ट कौन है हमारा, अब यहां पे सब्जेक्ट कौन है, यू है सर, सर सब्जेक्ट से बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख रखी है, गलत हो गया सर, गलत हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर, सब्जेक्ट है यू हमारा और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब, इंटेरोगेटिव जभी तो बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाऊंगा भाई, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ते ही आ गया नरेशन का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन आपके नरेशन का है, जल्दी से आंसर करो सारे बच्चे। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो देखो भाई नरेशन के अंदर जो ये कॉमे होते हैं इसको डायरेक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट बोलते हैं, और बिना कॉमे वाले को इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि सर हमें जाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से कहां जाना है इनडायरेक्ट जाना है। ध्यान रखना जब तक सेंटेंस आपका, जब तक आपका सेंटेंस इस साइड में असर्टिव सेंटेंस है, अभी असर्टिव सेंटेंस क्या होता है सर, जब हम किसी को कोई बात बताते हैं कि राधा गाती है राधा नहीं गाती है, है ना, जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तो उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव इंपेरेटिव कुछ नहीं, असर्टिव सेंटेंस है। देखो यू कैन बोरो ओनली टू बुक्स एट ए टाइम, चलो भाई असर्टिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना होता है सर, सेड टू को किस में बदलते हैं सारे बच्चे बताओ, सेड टू को किस में बदलेंगे सर, टोल्ड में बदल देंगे, सेड टू को किस में बदल देंगे टोल्ड में बदल देंगे, देखना तो टोल्ड 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 टोल्ड, ठीक है सर, हर 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 यहां तक ठीक है सर,
उसके बाद में कॉमे के नाम का दैट लगा देंगे सर, दैट दैट दैट, यहां तक तो सेम है सर, यहां तक तो चारों ही सेम है सर। अब जो मेन चेंज आएगा किसमें, यहां पे वर्ब लिखी हुई है कैन बोरो, यहां पे वर्ब क्या लिखी हुई है आपकी, कैन बोरो लिखी हुई है। अब बताओ मेरे को ये कैन क्या होता है भाई, ये कैन क्या होता है सर, कैन तो एक मॉडल होता है, कैन क्या होता है, मॉडल होता है, और कोई भी मॉडल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शुड हो, वुड हो, विल हो, शैल हो, यूज टू हो, कोई भी मॉडल हो, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है सर, बेस फॉर्म आती है, तो मॉडल के बाद वर्ब की क्या आती है, बेस फॉर्म आती है। तो यानी कि ये बोरो जो लिख रखा है ये बेस फॉर्म है। अब बताओ मॉडल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म मेरे भाई, मॉडल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ध्यान रखना मॉडल जब भी लिखा तो उसकी पास्ट फॉर्म लिख दो। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा। अच्छा बताना मे किस में चेंज होता है, बताओ मे होता है सर माइट में, है ना। विल और शैल किस में चेंज होता है बताना, विल और शैल चेंज होता है सर वुड में चेंज होगा, है ना, वुड में चेंज हो जाएगा। और हमारा जैसे मस्ट किस में चेंज होगा, मस्ट होगा सर हैड टू में चेंज हो जाएगा, मस्ट किस में चेंज हो जाएगा, हैड टू। अपने सेंटेंस पे आते हैं, कैन बोरो है तो कुड बोरो देखो कहां पे लिखा है, कुड बोरो देखो कहां पे लिखा, ये कट गया, ये कट गया, अब ये दो सेंटेंस में लिखा हुआ है कुड बोरो और कुड बोरो भाई, कुड बोरो और कुड बोरो। अब यहां पे इन दोनों में से करेक्ट आंसर करने की कोशिश तो करो एक बार सारे बच्चे, ए होगा या सी होगा, ए होगा या सी होगा, आंसर करो, बेशक गलत करो चलेगा, नहीं करेगा वो नहीं चलेगा भाई। देखो यहां पे लिखा है सेकंड पर्सन, यहां पे अगर लिखा हुआ इंसान सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हर लिखा है तो यहां पे सब्जेक्ट बनाना है, हर लड़की के लिए आता है ना जब ऑब्जेक्ट बनती है, और लड़की जब सब्जेक्ट बनती है तो उसको क्या बोलेंगे, सी बोल देंगे सर। और यहां पे क्या आ जाएगा, सी कहां पे लिखा हुआ है मेरे भाई, सी सी में ही लिखा हुआ, क्या बात है, क्या बात है, देखो सी सी में ही लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हमारा सी हो गया, राइट आंसर सी हो गया, और ये सही हो गया, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाऊंगा, चलो क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल नया क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके लिए, न्यू क्वेश्चन है, आज गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं होने देंगे सर गलत, लेकिन देखो कहां पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, एक बार खुद से आंसर करने की कोशिश तो करो, एक बार खुद से आंसर करने की कोशिश करो एक बार। चलो देखो क्या कह रहा है कि माई नेबर सेड टू मी हेलो हाउ आर यू, माई नेबर सेड टू मी हेलो हाउ आर यू, ये सर ये तो हमने पहली बार देखा, ये हेलो पहलो तो हमने अब तक तो नहीं देखा था, पहली बार देखा है। तो ध्यान रखना ऐसे सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, इनका फिक्स स्ट्रक्चर होता है और उनको याद कर लेना है, गलत नहीं कर देना है। देखो सेड का सेड रहेगा, हेलो का हेलो लिख देना। अब एक तो उसने देखो हेलो बोला, और उसके अलावा क्या बोला कि भैया तुम कैसे हो, पहले तो उसने हेलो बोला फिर बोला तुम कैसे हो, तो एंड आ जाएगी बीच में, बीच में आ जाएगी एंड। और उसने पूछा, देखो अगर हम किसी से कह रहे भैया कैसे हो तो हम उनसे उसका हालचाल पूछ रहे ना, और पूछने के लिए क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। यहां तक तो आपका सेम है, यहां तक तो आपका सेम है। अब बताओ ये आर जो लिखा है, ये जो आर लिखा है ये किस में चेंज हो जाएगा भाई, आर किस में चेंज हो जाएगा जल्दी बताओ, अगर अगर आपका डायरेक्ट में आर लिखा है तो किस में चेंज हो जाएगा सर, ये तो चेंज होता है या तो वॉज में या फिर वर में, या तो किस में चेंज होगा, वॉज में या फिर वर में भाई। अब वॉज वर कहां पे लिखा हुआ है सर, इसमें भी लिखा हुआ, इसमें ये तो ऑप्शन कट गया, अब इसमें भी लिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है। चलो अब यहां पर देखो हाउ आर यू, ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, तो भैया आई बन जाएगा, तो कौन सा सही होगा, अब ये तीनों में आई लिख रखा है सर, अब आई के अकॉर्डिंग वर आएगा कि वो जाएगा, आई के साथ में वो जाता है कि वर आता है सर, वो जाता है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बच गए दो, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा क्लोज ऑप्शन है भाई, एग्जामिनर ने पूरा खेला खेला है आपके साथ में, क्यों खेलेगा, खेलेगा भाई सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल में थोड़ा बहुत तो खेलेगा। अब देखो अब अगली बात क्या ध्यान में रखनी है, अगली बात ध्यान में ये रखनी है कि सर आपने बता रखा है 100 बार बता रखा है कि अगर डायरेक्ट में इंटरोगेटिव है, नरेशन में ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट में इंटरोगेटिव है तो इनडायरेक्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा।
अब देखो तो पॉजिटिव किस में है, पॉजिटिव में वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लिखी होनी चाहिए भाई, वर्ब सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट आई है उससे पहले वर्ब लिखी, गलत हो गया। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम बातों ही बातों में, बातों ही बातों में हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो भाई, फिल इन द ब्लैंक से खाली स्थान आपको भरना है। खाली स्थान आपको भरना है, देखो क्या कह रहा है, ये फ्रॉम है भाई, यहां पे आएगा फ्रॉम, फ्रॉम लिख देना। कह रहा है कि सी वॉज लाफिंग, सी वॉज लाफिंग बहुत ही ज्यादा हंस रही थी, फ्रॉम द डैश एग्जुबेरेंस ऑफ, फ्रॉम द डैश एग्जुबेरेंस ऑफ द परफॉर्मेंस। एग्जुबेरेंस का मतलब होता है उल्लास, हर्षो उल्लास भाई, हर्षो उल्लास, जब खुशी का ठिकाना नहीं रहता उसको उल्लास बोलते हैं। तो पूरे उल्लास से वो हंस रही थी। अब वो उल्लास कैसा था भाई, परफेक्ट था। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट होना, टोटल होना। शियर का मतलब होता है जब हम किसी बात पे जोर डालते हैं, इंफसाइज करते हैं, जब हम किसी बात पे जोर डालते हैं ना, कि इतने उससे वो ये काम कर रही थी, इतने उससे वो ये काम कर रहा था, तो जोर डालने के लिए शियर यूज करते हैं। अटर का मतलब वो, टोटल का मतलब कंप्लीट ही होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, कंप्लीट होता है। बताओ राइट आंसर क्या बैठेगा, यहां पे फिट आंसर क्या बैठेगा, यहां पे आपका फिट आंसर क्या बैठेगा, जल्दी से सोच के देखो। देखो भाई, वो लाफ कर रही थी, हंस रही थी, फ्रॉम द डैश, अब ये डिग्री बढ़ा रहा है कि इतने ज्यादा उल्लास से, जो परफॉर्मेंस की उसकी उल्लास थी, खुशी थी, बहुत ही ज्यादा थी। अगर डिग्री बढ़ा रहा है तो मेरे भाई शियर यूज कर दो, यहां पे क्या यूज कर देंगे, शियर यूज कर देंगे। सीएचएसएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है कि आशा वॉज डैश मेड अ फूल बाय हर फ्रेंड, आशा को मूर्ख बनाया गया उसके एक दोस्त के द्वारा। आशा नाम की कोई लड़की थी, उसको मूर्ख बनाया गया, पागल बनाया गया, किसके द्वारा, उसके एक दोस्त के द्वारा। तो वो कह रहा है कि पागल कैसे बनाया गया, इनसिसेंटली, इनसिसेंटली का मतलब होता है मेरे भाई आग्रह पूर्वक, आग्रह पूर्वक भाई। ये आग्रह पूर्वक का मतलब क्या होता है, आग्रह पूर्वक का मतलब होता है कि आशा से पहले पूछा, आशा मैं आपको पागल बनाना चाहता हूं, बना लूं, तो उसने परमिशन दे दी कि ठीक है आप बना लो, फिर उसने पागल बनाया। ऐसा तो नहीं होगा सर, आशा क्यों पागल बनने के लिए खुद ही परमिशन देगी, गलत आंसर हो जाएगा सर। ठीक है सर, उसके बाद अनोइंगली, अनोइंगली के मतलब होता है अनजाने में, अनजाने में पागल बनाता था, अनजाने में। अब ध्यान से देखो, अनजाने में पागल बनाता है भाई, अनजाने में कहां से बनाता होगा, आज के दिन सब समझदार हैं, है ना, तो मॉडर्न जमाना देखना है। अगर यही बात अगर हमारे दादा परदादा के टाइम की बात होती तो मान लेते कि अनजाने में पागल बना दिया, लेकिन पागल कैसे बना दिया भाई, अनजाने में तो पागल नहीं बना सकता, और कोई गलती हो सकती है, पागल थोड़ी ना बना सकते अनजाने में, तो यह भी गलत हो गया। इनोसेंटली मतलब मासूमी से, मासूमी से, अब ये कैसे पागल बनाते हैं भाई मासूमी से, है डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब होता है क्या मेरे भाई, जानबूझकर। तो उसने जानबूझकर आशा को पागल बनाया था, आशा ध्यान से सुन लो, जानबूझकर पागल बनाया था उसने, अनजाने में नहीं, तो उसकी बातों में नहीं आना अब, ठीक है। चलो तो जानबूझ के उसने क्या बनाया, पागल बनाया, सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए, सिनोनिम बताना है, बोले तो सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग आपका होना चाहिए, सिमिलर मीनिंग। देखो भाई, सैंग्युनिटी, सैंग्युनिटी का मतलब क्या होता है, सैंग्युनिटी का मतलब क्या होता है, बताओ सैंग्युनिटी का मतलब, सैंग्युनिटी का मतलब होता है मेरे भाई आशावादी होना, आशावादी होना, यानी कि आशावादी होना भाई, आशावादी, जो आशा रख के, उम्मीद रख के ही खुश हुए फिर रहा भाई, है ना, ऐसे ही सपने में खुश हुए फिर रहा। इसको याद कैसे करेंगे, दिलवाले मूवी देखी है ना, दिलवाले, वो वाली दिलवाले, अजय देवगन और सुनील शेट्टी वाली, सपना, सपना मामा ठाकुर, ये कह रहा संग
देखो गाना, संग गाना, तो उसमें कह रहा है ना वो क्या नाम उसका, शंकर बिहारी है ना, वो कहता ना कि मेरे को तो सपना के संग गाना गाना है, संग गाना गाना है, संग क्या करना है उसको गाना गाना है, ये बात सोच सोच के खुश हुए जा रहा था वो। लेकिन अजय देवगन ने गाने दिया, कैसे गाने देगा भाई, कैसे गाने देगा, लात और मारी चार उसको, ठीक है, तो यानी कि नहीं गाने दिया, तो यानी कि वो तो खुश हुए फिर रहा था ना। तो आशा में जब हम किसी चीज की उम्मीद में खुश रहते हैं उसको बोलते हैं सैंग्युनिटी। तो वो भैया उसके संग गाना गाने के लिए खुश हुआ फिर रहा था, उम्मीद लगाए फिर रहा था। तो यानी कि सैंग्युनिटी का मतलब आशावादी, और ऑप्टिमिज्म का मतलब भी होता है आशावादी होना, आशावादी। चलो एक्रीमोनी का मतलब होता है बीटरनेस, जब कड़वाहट आ जाती है उसको एक्रीमोनी बोलते हैं, बीटरनेस बोलते हैं। एक करोड़ मनी, एक करोड़ मनी की जब बात आई तो कड़वाहट तो बड़ों बड़ों के बीच में आ जाती है ना। जब एक करोड़ मनी की बात आ जाए तो कड़वाहट तो बड़े बड़े लोगों के बीच में आ जाती है। डेस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है, देखो डेस्पोंडेंस का मतलब होता है होपलेस होना, होपलेस होना की यानी कि उम्मीद ही छोड़ देना, होपलेस होना, ठीक है सर। और डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, जिसपे हमें डाउट हो, सस्पिशियन होना, डाउट होना, यानी कि जो विश्वास तोड़े, जो आपका विश्वास तोड़ दे उसको डिस्ट्रस्ट बोलते हैं। तो यानी कि कौन सा आंसर हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो गया भाई, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलो सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, वैनिटी। वैनिटी का भी सिनोनिम बताना, जल्दी से आंसर करो एक बार सारे बच्चे। देखो भाई वैनिटी, वैनिटी का आपको सिनोनिम बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है। वैनिटी का मतलब क्या होता है, देखो आपने हीरोइन वगैरह देखे होंगे, हीरो वगैरह देखे होंगे, ये जहां पे तैयार वगैरह होते हैं ना तो इनकी एक वैन टाइप की होती है, एक गाड़ी टाइप की होती है, उसमें पूरा बिस्तर वगैरह, पूरा शीशा, पूरा मेकअप का सब कुछ लगा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वैनिटी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वैनिटी। अब वैनिटी में बैठ के ये हीरो हीरोइन में क्या आ जाता है भाई, घमंड आ जाता है ना कि देखो हम तो यहां बैठे हैं ना, घमंड आ जाता है उनके अंदर। तो वैनिटी का मतलब होता है घमंड आ जाना, यानी कि वैनिटी का मतलब घमंड होता है, वैनिटी का मतलब क्या होता है, घमंड होता है। अच्छा ब्यूटी का मतलब क्या होता है, इसका तो सबको पता होगा, ब्यूटी का मतलब चार्मर है ना, सुंदर। एम्प्टी का मतलब खाली खाली, वैकेंट होना, यानी कि क्या होना मेरे भाई, खाली होना। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, शाइनेस, जिसके अंदर नर्वसनेस हो, शर्माता हो थोड़ा सा ऐसा। और कंसीट का मतलब होता है मतलब घमंड टाइप का। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। कंसीट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, घमंडी होता है, घमंडी होता है। चलो सीएचएसएल 2022 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ सारे बच्चे। एंटोनिम बताना है, एंटोनिम बोले तो ऑपोजिट मीनिंग, एंटोनिम बोले तो मेरे भाई ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ऑपोजिट मीनिंग होना चाहिए खिलाफ, ऑपोजिट मीनिंग बताना है। फेक का मतलब क्या होता है सर, फेक का मतलब तो झूठा होता है, यानी कि फॉल्स होता है ना, दगाबाज होता है, तो यानी कि इसका उल्टा बताना है, ये तो सर सिनोनिम हो गया। चलो बोगस का मतलब क्या होता है बताना, बोगस का मतलब सुना है क्या पहले, ये वर्ड बोगस पहले सुना है क्या, बोगस, बोगस का मतलब भी झूठा ही होता है, दगाबाज ही होता है। तो इसके लिए अगर सिनोनिम की बात मैं यूज करूं तो फॉल्स भी लिख सकते हो, डिसेप्टिव भी लिख सकते हो भैया। जेन्युइन होता है भैया, रियल, जो बिल्कुल जो बात बोल दी ना उसी बात पे टिका रहे, उसको जेन्युइन बोलते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, अननेचुरल, जो नेचुरल ही ना हो, आर्टिफिशियल जो नेचुरल ना हो, जिसको बनाया गया हो, जिसको बनाया गया हो अपने हाथ से, उसको आर्टिफिशियल। अब इसका उल्टा बताओ, जेन्युइन, जेन्युइन इसका उल्टा हो गया। बिल्कुल इजी था, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, आ गए क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आगे। इनिशिएट, इनिशिएट का आपको उल्टा बताना है। चलो बताएंगे, बिल्कुल इजी है भाई, बिल्कुल इजी है, शहर के लड़कों लड़कियों को तो ज्यादातर पता होता है। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, इनिशिएट का मतलब होता है बिगिन, यानी कि क्या करना, या स्टार्ट लिख देता हूं, नहीं लिख रखा, स्टार्ट करना कोई चीज, शुरुआत करना। शुरुआत कहां से हो सकती है, शुरुआत कहां से होती है, इनिशिएट कहां से होता है, उसकी साइड से कि तुम्हारी साइड से, तुम्हारी साइड से होता है इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, पहल करना, है ना, पहल तो करो, पहल तो करो, है ना। तो पहल करना मतलब इनिशिएट करना। लॉन्च करने का मतलब भी बिगिन करना, मतलब स्टार्ट करना होता है भाई, लॉन्च का मतलब भी होता है।
कंक्लूड का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना भाई, एंड कर देना, तो इसका उल्टा तो सही हो गया सर। इंस्पायर का मतलब होता है मोटिवेट करना, इंस्पायर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मोटिवेट करना, तो बी इज द करेक्ट आंसर, एमटीएस 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मेकिंग वन फील वेरी सैड, किसी को बहुत ही ज्यादा उदास कर देना, किसी को बहुत ही ज्यादा उदास कर देना, तो यानी कि आपने उसका दिल झकझोर कर दिया, तभी तो उदास होगा ना, बिल्कुल चकनाचूर कर देना, दिल का चूर चूर कर देना, उसको बोलते हैं मेकिंग वन फील वेरी सैड, बहुत ही ज्यादा उदास है वो लड़का। तो दिल से दिल कहां मिले भाई, दिल तो टूटा है, हार्ट सर्चिंग, दिल की तलाश कहां हो रही है, दिल रुका तो नहीं है, अभी जिंदा है, दिल रुक गया तो फिर तो वो टपक ही जाएगा, दिल नहीं रुका है अभी, अभी रुका नहीं है, अभी टूटा है। हार्ट रेंचिंग, हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है भैया दिल दुखाने वाला, दिल को ठेस पहुंचाने वाला, उसको बोलते हैं हार्ट रेंचिंग। और मेकिंग वन फील वेरी सैड, इसका मतलब भैया भैया आपने उसका दिल तोड़ दिया, ठीक है। चलो, सीएचएसएल 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ, ईडियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है भाई, टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, किसी को पूरा करना, किसी को क्या करना मेरे भाई, पूरा करना, उसको क्या बोलते हैं, किसी को पूरा करना उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। देखो, और ये मैंने है ना आपको करवा रखा है ग्रामर में, बेसिक्स जब पढ़ाए थे ना तब से बताया था, एक वर्ड कॉम्प्लीमेंट, एक वर्ड तब से बताता आ रहा हूं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा हुआ, याद आया, किस किस को याद आया, किस किस को याद आया कि ये सर ये कॉम्प्लीमेंट तो आपने बताया था, कॉम्प्लीमेंट का मतलब कंप्लीट करना होता है, सब्जेक्ट को जो पूरा करे उसको सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, वही वही भाई वही होता है, गलत थोड़े ना बताया था। अटेनमेंट का मतलब होता है जब कोई आप चीज हासिल कर लो, यानी कि सिद्धि, सिद्ध कर लो भाई, कोई चीज हासिल कर लो। इंपेडिमेंट का मतलब क्या होता है, ये इंपेडिमेंट का मतलब क्या होता है बताओ तो सारे बच्चे, इंपेडिमेंट का मतलब होता है बाधा होना, ऑब्स्टेकल बोल लो, ऑब्स्टेकल है ना, या रुकावट बोल लो, अगर हिंदी की बात करें तो रुकावट आ जाना, यानी कि बाधा आ जाना, ठीक है। डिपोर्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिपोर्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिपोर्टमेंट का मतलब होता है व्यवहार, व्यवहार बोले तो बिहेवियर, कि आप किसी के साथ कैसा वो व्यवहार करते हो उसको डिपोर्टमेंट बोलते हैं, तो यानी कि ए इज द राइट आंसर। मैं बढ़ जाऊंगा सर आगे, आगे आया अ लेम एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज यानी कि एक बहाना, और लेम का मतलब होता है मेरे भाई कमजोर, लेम का मतलब होता है कमजोर बहाना, जो चले ही ना, ऐसा बहाना जो कमजोर हो, कमजोर का मतलब जो चले ना, ठीक है, हल्का बहाना। चलो बताओ, लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है कमजोर बहाना, आंसर क्या होगा, अरे एक ही तो आंसर है, सी, सी इज द करेक्ट आंसर, कमजोर बहाना। आप बहाना बनाते हो ना कहीं जाने के लिए, आप घर पे बहाना बनाते हो, तो कई बहाने इतने कमजोर होते हैं ना, फटाक से हमारे पेरेंट्स पकड़ लेते हैं कि झूठ बोल रहा है, तो वो लेम एक्सक्यूज होता है। वो कैसा एक्सक्यूज होता है, लेम होता है। कई तो बहुत भारी भरकम एक्सक्यूज बनाते हैं भाई, ऐसे एक्सक्यूज बना देंगे ना कि घर वालों को बिल्कुल इतना सा भी शक नहीं होगा कि हमारा लड़का झूठ बोल रहा है, बिल्कुल शक नहीं होगा भाई, कई तो ऐसे बहाने बनाते हैं, ठीक है, तो वो लेम नहीं होते, वो तो स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज होते हैं भाई, ठीक है। सीपीओ में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, टू बी ऑन थिन आइस, अगर कोई आपको, अगर कोई आपको आइस पे बैठा दे तो आपकी क्या हालत होगी, अगर कोई आपको बर्फ पे बैठा दे तो आपकी हालत क्या हो जाएगी भाई, पतली हो जाएगी ना, पतली आइस पे बैठ के आपकी हालत कैसी होगी, पतली हो गई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप रिस्की सिचुएशन में हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपकी जिंदगी रिस्क में है मेरे भाई, आप रिस्की सिचुएशन में हो, आप रिस्की सिचुएशन में हो, लगातार आइस पे बैठे रहोगे तो रिस्क है ना भाई, गल जाओगे, तो यानी कि रिस्की सिचुएशन में होना, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सारे बच्चे करेंगे, मैं एक सेकेंड के लिए साइड में हो गया, और आपको सभी को आंसर करना है, पहले आप सभी को आंसर करना है, यह नहीं है कि भाई जो ईमानदार रहेगा, जो बच्चा जिसको पढ़ना है एग्जाम क्लियर करना है वो तो पक्का पढ़ेगा, और भैया जिसको नहीं करना वो तो नहीं करेगा भाई, तो ईमानदारी से करो, मैं आपका साइड में हो गया, जल्दी से करो भाई। दस बीस सेकंड का आपके पास समय है, आंसर करना भाई, आंसर करने ही अपने अंगूठा दिखाना शुरू कर देना।
आंसर आते ही अंगूठा। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, तो सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, अगर सेशन पसंद आता तो सेशन को लाइक कर दिया करो। मोटिवेशन की जरूरत हमें भी होती है, और मोटिवेशन हमें कहां से मिलता है, आपके एक अंगूठे से, अंगूठा बोले तो लाइक बटन से। तो सारे बच्चे एक बार मिलकर सारे बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को। चलो हो गया, अब मेरे साथ पढ़ो भाई, अब मेरे साथ पढ़ेंगे सारे बच्चे। क्या कह रहा है, They were mysterious visitors who brought gifts to the babe. Wow, क्या वर्ड है, यहां पे लिखा हुआ है टू द बेब, समझते हो इस वर्ड को, ये तो सुना सुना लगता है, कहीं ना कहीं बोला हुआ भी लगता है ना, वही वाला है ये। They were mysterious visitors, वो भाई रहस्यमयी कोई विजिटर्स थे, घूमने वाले थे, who brought gifts, जो कि तोहफे लेके आए, to the babe in the manager, to the babe in the manager, वो जो है ना बेब के लिए जो है ना क्या लेके आए, क्या लेके आए, गिफ्ट लेके आए भाई। ठीक है भाई, एक बात, द मैगी वर वाइज मैन, अब ध्यान रखना, कई बच्चे सोचेंगे सर मैगी तो ये खाने वाली तो नहीं है क्या, खाने वाली नहीं है, ये नाम भी नहीं है, ये खाने वाली भी नहीं है, ये किसी का नाम भी नहीं है। अब नाम होगा तो ज्यादातर बच्चे सोचेंगे सर मैगी तो सिंगुलर होती है, तो सिंगुलर के साथ में तो वो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैगी का मतलब होता है सारे वाइज मैन, ऑल वाइज मैन, ऑल वाइज मैन। मैगी का मतलब है मेरे भाई सारे बुद्धिमान इंसान, सारे वाइज मैन। तो यहां पे जो मैगी लिखा है इसका मतलब सारे वाइज मैन, देखो ये लिखा हुआ। चलो पहले वाले पार्ट में कहा कि वो मिस्टीरियस रहस्यमय विजिटर्स थे जो कि बेब के लिए क्या लेके आए, गिफ्ट लेके आए। ठीक है, अब इसने बोला द मैगी वर वाइज मैन, मैगी का मतलब है सारे लोग वाइज है। ठीक है सर, आगे क्या बोला, वाइज होने के नाते, बीइंग वाइज का मतलब होता है वाइज होने के नाते, बुद्धिमान होने के नाते, उनके जो गिफ्ट थे वर नो डाउट वाइज वंस। भैया बुद्धिमान लोग तो बुद्धिमान काम ही करेंगे ना, बुद्धिमान लोग तो बुद्धिमान ही काम करेंगे, तो गिफ्ट भी लेके आएंगे ना, वो भी वाइज गिफ्ट लेके आएंगे, अच्छे गिफ्ट लेके आएंगे। अरे भैया एक बात बताओ, देयर गिफ्ट, तो गिफ्ट का जिक्र पहले आना चाहिए ना, गिफ्ट का जिक्र पहले आना चाहिए ना, ये यहां पे आया था ए, तो हमें पता चल गया। तो सर शुरुआत हमें पता नहीं चली अभी, लेकिन इतनी बात पता चल गई कि ए के तुरंत बाद सी आएगा, ए के तुरंत बाद सी आएगा। देखना तो ए के तुरंत बाद सी कितनों में लिखा हुआ है, भैया ए ही एक ही में लिखा हुआ है, और बाकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे स्मार्ट बनना है, जिसका भी सीजीएल का पेपर है ऐसे स्मार्ट बनना, कहीं ना कहीं कई बार आपको शुरुआत नहीं पता चलेगी तो आपको पूंछ पकड़ लेनी है कि वो भैया किसके साथ साथ घूम रहा है ना, किसके साथ साथ घूम रहा है, उन दोनों को पकड़ लो, कहानी अपने आप हाथ में आ जाएगी सारी की सारी। चलो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आपको बताना कि किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है भाई, गलत किसकी है ये बतानी है। चलो कौन से वर्ड की स्पेलिंग यहां पर गलत है आपको यह बताना है। चलो देखो, मेडिवल का मतलब होता है जो मध्यकाल, यही स्पेलिंग होती है। मेजर का मतलब मापना, मैगजीन की स्पेलिंग भी सही है। मैकेनिक, मैकेनिक की स्पेलिंग क्या होती है, एम ई सी एच ए एन आई सी, ये होती है मैकेनिक, जो चीजें सही करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, मैकेनिक का मतलब क्या होता है, जो चीजें सही करता है उसको बोलते हैं। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था भाई। अब ये वाला क्वेश्चन क्लोज टेस्ट मस्ट है आप सबके लिए, मस्ट है, तो इससे भागना नहीं है, इसको पढ़ना है। चलो पता है जहां पे बच्चे भागते हैं ना, जिस क्वेश्चन से डरते हैं ना, वही क्वेश्चन तो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। अब कुछ बच्चे हैं इसको देख के भाग जाते हैं, और जो बच्चा डटा रहा टिका रहा वही तो इस सिलेक्शन लेगा भाई, और बाकी के क्वेश्चन में तो सारे बच्चे थे, अब सिलेक्शन कहां पे होगा, सिलेक्शन वहां पे होगा जब और बच्चे तो कट रहे थे और हम वहां पे डटे हुए थे, सिलेक्शन वहां पे होगा। तो डटे रहना, इसका आंसर करो एक बार ईमानदारी से, सारे बच्चे यहां से यहां तक पढ़ेंगे भाई, सारे बच्चे ईमानदारी से यहां तक पढ़ेंगे। मैं हो गया हूं साइड, आपके पास 30 सेकंड का समय है, और ईमानदारी से पढ़ना है सारे को। ठीक है, यहां से लेके ए से लेके और सो होट, क्या वर्ड है भाई, यहां पे देखो सो होट लिखा हुआ है, लेकिन ये कहीं और के लिए लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ ये किसके लिए, दिन के लिए, दिन के लिए लिखा हुआ है, इंसान के लिए नहीं लिखा हुआ। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे, मैं साइड में हूं, जल्दी पढ़ो भाई इसको, ईमानदारी से पढ़ना पढ़ना पढ़ना। चलो हो गया, चलो भाई देखो अब मेरे साथ पढ़ेंगे, अब मेरे साथ पढ़ेंगे सारे बच्चे, मेरे साथ पढ़ेंगे। देखो अ डैश थंडरस्टॉर्म, एक तूफान आया, रोल्ड अक्रॉस आया द डेल्टा,
डेल्टा के साथ साथ में एक तूफान आया, डेल्टा में एक तूफान आया, तो तूफान कैसा होगा? सॉफ्ट तो नहीं ना होगा, लाउड थोड़े ना होगा, आवाज के लिए था, प्राउड थोड़े ना होगा, माइल्ड। माइल्ड का मतलब बीच के लेवल का, ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। तो एक बीच के लेवल का तूफान आया डेल्टा में, ठीक है भाई। बिफोर डॉन, डॉन का मतलब होता है जो सुबह सुबह होती है ना, सुबह सुबह जो होती है ना, सुबह के पहले का टाइम जो होता है ना, उसको डॉन बोलते हैं, ठीक है। आया तूफान, ठीक है। एंड सैम वॉज, और सैम जो है ना, डैश हो गया बाय द क्रैक ऑफ लाइटनिंग, जो बिजलियां चमक रही थी ना, उससे सैम डैश हो गया। क्या हो गया भाई? क्या टूट गया? क्या क्या हिल गया? क्या क्या उसके अंदर क्रैक आ गए? क्या क्या वो जग गया? बिल्कुल भाई, वो जग गया। तो ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि सैम क्या हो गया? अब बिजलियां गरज रही थी, काफी सारे बच्चे होते हैं बिजलियों से डर लगता है, तो वो भी डर रहा था, और वो क्या हुआ, बिजलियां जब चमक रही थी ना, तो वो डर के मारे जग गया। वो डर के मारे क्या हो गया? जग गया मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है भाई, जग गया तो जग गया। ही हियर रेनड्रॉप्स, कुछ बारिश की बूंदे, रेनड्रॉप्स का मतलब बारिश की बूंदे उसने सुनाई दी, ठीक है। ड्रॉपिंग हार्ड, बहुत ही ज्यादा तेज तरीके से वो पड़ रही थी ओपन विंडो में से, अबव द हॉलवे। हॉलवे का मतलब अपनी देसी भाषा में आपने सुना होगा ना, होल जो होता है ना, अपने गांव में घरों में होल छोड़ देते हैं ना ऐसे करके, जो कमरे और बाहर आने जाने के लिए जो जगह होती है उसको होल बोलते हैं। तो वहां पे जो है ना बारिश हो रही थी, ठीक है। देन उसके बाद में ही हियर देम ड्रिप, एंड ड्रिप का मतलब होता है टिप टिप, जब पानी में कोई चीज पड़ती है ना, तो बूंद देखना, पानी में जब कोई बूंद पड़ेगी ना, तो टिप टिप ऐसे आवाज करेगी, वो वाली ड्रिप होती है, ठीक है। एंड डैश अगेंस्ट द वॉल अंडर द विंडोज, और उसने क्या देखा? स्लीप का मतलब सोना, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, कडल का मतलब होता है गले लगाना, और पडल का मतलब होता है मेरे भाई पूल टाइप का, मतलब जो बारिश से पानी इकट्ठा हो जाता है ना, उसको पूल बोलते हैं। तो भैया एक ही राइट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि द डैश ऑफ हिज बेड, उसके बेड का डैश, उसके बेड का डैश वो सडनली, अचानक से ठंडा हो गया। उसके बेड का डैश अचानक से ठंडा हो गया, बताओ तो क्या आएगा? उसके बेड का डैश अचानक से क्या हो गया? ठंडा हो गया, क्या आएगा बताओ? स्टिफनेस का मतलब होता है कठोरता, कठोर हो गया क्या भाई बेड है, बताओ? ओपननेस मतलब खुलापन, सॉफ्टनेस का मतलब हल्का, डैम्पनेस, डैम्पनेस का मतलब होता है नमी। भैया उसका जैसे वो था ना, उसका द डैम्पनेस ऑफ हिज बेड वॉज सडनली कूल, तो वहां की जो नमी थी ना वो एकदम से ठंडी हो गई, क्योंकि बारिश आ रही थी, बारिश आ रही थी तो क्या होगा, ठंडी तो हो ही जाएगी ना भाई, बारिश आ रही थी तो क्या हो जाएगा, ठंडा ठंडा उसको लगने लग गया भाई, ठंडी ठंडी लगने लगी। चलो सीजीएल में पूछा गया है ये, एक और क्वेश्चन है उसको और आंसर करो। उसके बाद कह रहा है कि मे बी टूडे डैश नॉट बी सो हॉट, तो उम्मीद रखता हूं कि आज जो है ना, कम से कम आज का दिन ज्यादा गर्म नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप फ्यूचर की उम्मीद रखते हो, जब भी आप फ्यूचर की उम्मीद रखते हो और प्रोबेबिलिटी, और जो है ना प्रोबेबिलिटी अगर ज्यादा होती है ना, तो आप वुड यूज करते हो। क्या यूज करते हो? वुड यूज करते हो। तो यानी कि कांट यूज नहीं करेंगे, विल बी यूज नहीं करेंगे, कुड नहीं करेंगे, वुड। तो वुड बी, वुड नॉट बी सो हॉट, यानी कि मे बी टूडे वुड नॉट बी सो हॉट जो है ना आपका सही आंसर रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्लोज टेस्ट, ये था आपका जो है ना क्लोज टेस्ट। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, सारे बच्चे लाइक कर देंगे एक बार, एक साथ में बहुत सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया, तो सारे बच्चे लाइक कर देंगे, ठीक है। तब तक मैं आपको बता देता हूं एक बार, एमटीएस 2023 के लिए मुक्ति बैच आपका चलाया जा चुका है। सारी क्लासेस एकदम बेसिक से होती है, इंग्लिश और जीएस की क्लास मेरे भाई लाइव होती है, लाइव क्लास आपकी होती है इंग्लिश और जीएस की। तो जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे बोले थे इंग्लिश का स्पेशल कोर्स पढ़ना है, तो यहां पर मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं, एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा हूं, सारी चीजें बेसिक से, एक एक चीजें है ना बिल्कुल अल्टीमेट तरीके से पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता भी होगा भाई, ठीक है। चलो एक एक डाउट आपका क्लियर होता है, तो आपकी 100% सफलता के लिए कोर्स चलाया जा रहा है। एमटीएस 50 अगर कोड आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको 350 में कोर्स मिल जाएगा भाई, ठीक है। करना क्या, एसएससी मेकर की ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर में जाके वहां से डाउनलोड करो, और वहां से आप इसके साथ जुड़ जाएं, जो अभी बच्चे नहीं जुड़े हैं भाई, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच चलाया जा रहा है, जिसकी फीस मात्र 250 रुपए है। तो जो भी बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच से जुड़ जाएं, ठीक है। इसके अलावा एमपी पुलिस के लिए महाकाल बैच, भाई MPP50 अगर आप कोड यूज करोगे तो ये बैच आपको मात्र 250 रुपए में मिल जाएगा। और एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 299 रुपए में। रोज रात को 8 बजे अजय सर की क्लास होती है, एकदम बेसिक से जो है ना चीजों को समझाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं,
और जो भी बच्चे जिनको लगता है कि सर मैथ तो हमें नहीं आएगा, रीजनिंग नहीं आएगा, एक बार जुड़ के देखो, आपको मजा ना आ जाए तो कहना कि सर आपने ऐसा कहा था। ठीक है, तो सारे बच्चे डेली शाम को 8 बजे जुड़ा करो अजय सर के साथ में। ठीक है, एक दिन मैथ्स पढ़ाते हैं, एक दिन रीजनिंग पढ़ाते हैं, और दोनों के दोनों ही सब्जेक्ट जो है ना इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में नहीं लेना है। ये कुछ लिंक्स हैं, इनको आप जाके जो है ना कुछ कुछ हरकतें कर सकते हो। जैसे कि इस लिंक पे जाओगे तो एसएससी मेकर का ये लिंक है, और यहां पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जिन्होंने भी अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है वो सारे बच्चे ऐप डाउनलोड कर ले, क्योंकि वहां पे फ्री की चीजें बहुत सारी मिलती हैं, जैसे पीडीएफ वगैरह मिलती है, कोई मॉक टेस्ट हो गया या फिर कुछ ना कुछ, सारी सुविधाएं वहीं पे मिलती हैं भाई। ठीक है, चलो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक कर लो, ट्विटर, और जो है ना इंस्टाग्राम, और ये आपके अपने परिवार एसएससी मेकर का लिंक है, तो इस पे भी आप सारे बच्चे इसको जो है ना फैला दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जो है ना जोड़ो, फटाफट 10 मिलियन करवाओ भाई। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन जो है ना अच्छा रहा होगा। सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताना कि किन किन ने जो है ना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कितना स्कोर उनका रहा, आज की क्लास कैसी रही, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, सारे बच्चे लाइक करते हुए जाना, और कल मैं आपको बता देता हूं, कल दोपहर 2 बजे ध्यान रखना, दिन है कल संडे का, और कल दोपहर 2 बजे मैं आपके लिए मैराथन लेके आ रहा हूं। क्या लेके आ रहा हूं? मैराथन लेके आ रहा हूं इंग्लिश की भाई, इंग्लिश की आपके लिए मैराथन लेके आ रहा हूं कल दोपहर 2 बजे। तो जुड़ना नहीं भूलना है, अपना लंच वगैरह करके आना है और 2 बजे बैठ जाना है। ठीक है, कल डायरेक्ट क्लास 2 बजे होगी भाई, 2 बजे मैराथन होगी। उसके अंदर जो भी बच्चे सीजीएल के बच्चे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, उनके लिए तो भैया रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सीजीएल में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो सारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ेंगे 2 बजे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर दोपहर 2 बजे, भूलना नहीं कितने बजे, दोपहर 2 बजे, अलार्म वगैरह सेट करके बैठ जाना भाई। ठीक है, चलिए फिर, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करते हुए जाना, कमेंट में जरूर बताना आज की क्लास कैसी रही। ठीक है, कल मिलते हैं फिर दोपहर 2 बजे, तब तक के लिए सभी को थैंक्स, थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय।